हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप में से अधिकतर बिगनर्स लोग होंगे जो ईटीएफ करना चाहते हैं। आप लोगों ने ईटीएफ के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा, सुना होगा, और आप अब ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, आप एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ईटीएफ के अंदर आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, बेस्ट ईटीएफ आपका कौन सा होता है, ईटीएफ के अंदर आपको कब बाई करना चाहिए, कब आपको ईटीएफ के अंदर सेल करना चाहिए, कब तक आपको ईटीएफ को होल्ड करना चाहिए, कौन से ईटीएफ को आपको अवॉइड करना चाहिए, साथ के अंदर हम यहाँ पे कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। इन डिटेल आपको पूरा यहाँ पे बताया जाएगा और हर एक चीजों को यहाँ पे हम वन टू वन, स्टेप टू स्टेप सीखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं यहाँ पे क्लियर हो सके। चलिए, तो अभी यहाँ पे हम क्या क्या चीजों को कवर कर रहे हैं वो पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ईटीएफ में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, ठीक है? और वो ईटीएफ का आपके अंदर अगर आप निवेश करते हैं आप ईटीएफ के अंदर, तो आपका गोल क्या होना चाहिए, ठीक है? ये दोनों चीजों के ऊपर हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। दूसरा, यहाँ पे किन लोगों को ईटीएफ को अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे हमारा टॉपिक रहेगा कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको ईटीएफ को अवॉइड करना चाहिए। तीसरा टॉपिक आपका यहाँ पे रहेगा कि ईटीएफ को खरीदने से पहले हमें ईटीएफ में क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए, यानी ईटीएफ को हम क्या क्या चीजें देखनी चाहिए जो एक नॉर्मल ईटीएफ के अंदर बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं, सीधा ईटीएफ को जाके बाई कर लेते हैं। तो पहले ईटीएफ में हमें क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए, ये हमारा तीसरा पॉइंट रहेगा। चौथा ईटीएफ आपका रहेगा कि ऐसा कौन सा ईटीएफ जो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है? अब क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ईटीएफ है, तो उसमें से आपके लिए सबसे बेस्ट ईटीएफ कौन सा रहेगा वो हम इसके अंदर यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। उसके बाद पांचवें नंबर पे, ये ईटीएफ को बाय करने का राइट टाइम कौन सा है, राइट मेथड कौन सा है, क्योंकि बहुत बार लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल सा ईटीएफ करते हैं और बाद में इसके अंदर आपको एक एवरेज अच्छा नहीं मिलता है। ऐसा कौन सा मेथड है जहां पे आप राइट टाइम पे ईटीएफ को बाई कर सकते हैं, ठीक है? तो टाइमिंग भी आपको यहाँ पे बताई जाएगी, साथ में ईटीएफ को कब तक हमें होल्ड करना चाहिए ये भी आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। और साथ में इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं कि आपको प्रॉफिट बुकिंग कैसे करना है। मान लीजिए ईटीएफ आपने कर रखा है और आप उसको प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, तो आप कैसे बुक करोगे। तो एक एक टॉपिक के ऊपर हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, तो आप एंड तक इसमें जरूर बने रहिए। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि आपका पहला वाला कि आपको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक डिसीजन लेना है। देखिए, आप मार्केट में आए हैं और अगर आप ईटीएफ के अंदर निवेश करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ईटीएफ है क्या वो मैं चीज आपको बता देता हूँ। देखिए, आप किसी भी स्टॉक्स के अंदर बाई करते हैं, मान लीजिए आप किसी स्टॉक्स के अंदर यहाँ पे बाई कर रहे हैं, तो आपका वहां पे रिस्क रहता है और आपके पास एक ही स्टॉक्स होता है, ठीक है? पर अगर आप ईटीएफ के अंदर बाई करते हैं तो ईटीएफ एक क्या है, बास्केट है। ईटीएफ आपका एक बास्केट है जिसके अंदर बहुत सारी कंपनियों के अंदर पैसा डायरेक्ट लगाया जाता है, ठीक है? एक बास्केट में आप पैसा लगा रहे हैं, ठीक है? मान लीजिए आप एक एचडीएफसी का बैंक यहाँ पे खरीदना चाहते हैं, स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं, तो आप एचडीएफसी का स्टॉक्स ही यहाँ पे खरीद पाएंगे जहाँ पे रिस्क आपका हमेशा ज्यादा रहेगा। वहीं पे अगर आप ईटीएफ में निवेश करते हैं, तो उस जगह पे क्या होता है कि आप निफ्टी के अंदर, जैसे निफ्टी 20 आप ले रहे हैं, तो निफ्टी की टॉप 50 कंपनीज के अंदर आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो रहा है। तो इसकी वजह से आपका यहाँ पे बास्केट के अंदर आपका यहाँ पे प्राइस मिल रहा है, साथ में इसके अंदर जो प्राइस होता है बास्केट का वो भी कम होता है। जैसे आप अगर एक निफ्टी के डायरेक्ट निफ्टी को खरीदना चाहोगे, चाहे आप फ्यूचर खरीदो, तो उसके अंदर आपको कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है, ठीक है, एक निफ्टी को फ्यूचर को खरीदने के लिए। और वहीं पे अगर आप एक ईटीएफ को खरीदते हो, तो आपको 250 रुपए के अंदर अंदर आपको एक ईटीएफ मिल जाता है जिसमें आप 50 कंपनी के अंदर पैसा लगा सकते हैं एक साथ में, ठीक है? यहाँ पे आप 50 कंपनीज के अंदर डायरेक्ट पैसा लगा सकते हैं। दूसरा, आपके स्टॉक्स के हमेशा गिरने के पूरे चांस रहते हैं और वापस रिकवर होने के चांस बहुत ही कम रहते हैं, क्योंकि मान लीजिए कोई ऐसा स्टॉक है जिसमें कोई भी न्यूज आएगी या करप्शन हो गया या फिर कोई भी घपला हो गया, XYZ कोई भी फ्रॉड हो गया, तो वो स्टॉक्स कभी भी आपका ऊपर नहीं आता है, ठीक है? वो स्टॉक्स वहीं से आपका नीचे चला जाता है। जैसे यस बैंक के केस में देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे केसेस हुए जिनके अंदर हमें रिस्क रहता है। पर वहीं अगर हम ईटीएफ के अंदर अगर बाइंग करते हैं या ईटीएफ को अगर हम लेके अपने इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर हम शामिल करते हैं, तो इनमें से मान ले किसी एक कंपनी ने फ्रॉड कर दिया, तो उसमें ऑटोमेटिकली उस कंपनी को वहां से हटा दिया जाता है, ठीक है? और एक न्यू कंपनी को यहाँ पे एड कर दिया जाता है, ठीक है? सो जैसे जैसे निफ्टी 50 के अंदर जितनी टॉप कंपनीज होगी, आपका पैसा उतना डाइवर्सिफाई हो गया। इसलिए सबसे बेहतरीन और सबसे अगर कम रिस्की अगर बोलूं मैं, तो मान लो कि यहाँ पे रिस्क है ही नहीं, ठीक है? तो वो है आपका ईटीएफ इन्वेस्टिंग। अब उसमें आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे ईटीएफ को चॉइस करना है या फिर आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना है, ठीक है? सो मेरे हिसाब से हमेशा आप ईटीएफ के अंदर अगर बाइंग कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे चुनना चाहिए हमेशा लॉन्ग टर्म विजन, ठीक है? क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म विजन पे ये एक अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है और विदाउट आपके रिस्क के ऊपर। वहीं पे शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप करना चाहते हैं, तो आप इसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, पर ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की है, सो मैं आपको इसको अवॉइड करने के लिए बोलूंगा। बाकी ट्रेडिंग जो हमारी शॉर्ट टर्म की है, ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी अलग होती है, वो हमने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं, अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं। चलिए, तो पहला तो आप यहाँ पे वे कंप्लीट हो गया कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए ईटीएफ में पैसा लगाना चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, तो एक एक वे को हम समझते हुए जा रहे हैं, बिल्कुल बिगनर्स तरीके से बता रहे हैं आपको, ताकि आपका किसी भी जगह पे कोई भी डाउट ना रहे। उसके बाद किन लोगों को इसको अवॉइड करना चाहिए? देखिए, उन लोगों को अवॉइड करना चाहिए जिनको मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज नहीं है, यानी बिल्कुल फ्रेशर है। ठीक है, सो आपको पहले ये तो पता करना पड़ेगा कि मार्केट चलता कैसे। देखिए, आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे मैनेजर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड को हैंडल करने के लिए फंड मैनेजर होते हैं। ठीक है, सो वहां पे आपको दिमाग नहीं लगाना है, वो खुद से आपके पैसे को डाइवर्सिफाई करेगा, अलग अलग कंपनियों में डालेगा, वो खुद से आपके फंड को मैनेज करता है। जबकि आप ईटीएफ पे अगर आप स्वयं से करोगे, खुद से करोगे, तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन से ईटीएफ के अंदर जा रहे हो, क्योंकि बहुत सारे ईटीएफ होते हैं यहाँ पे। सो कैटेगरी कौन सी है वो आपको पता होना चाहिए, साथ में आपके ईटीएफ को आपको खुद को मैनेज करना है, कहाँ पे आपको एवरेजिंग करनी है, कहाँ पे आपको बाइंग करनी है, कैसे आपको डिसीजन लेना है, कब आपको सेल करना है, सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। तो जो लोग बिल्कुल बिजी है, मतलब जो टाइमिंग दे नहीं सकते हैं, मार्केट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं, नॉर्मल सा भी आपको नॉलेज तो होना चाहिए। अब निफ्टी फिफ्टी क्या है, अब यही अगर आपको पता नहीं है तो आपका ईटीएफ में निवेश करना रॉन्ग हो जाएगा। तो बस उन लोगों के लिए यहाँ पे हम मैं अवॉइड करने के लिए बोलूंगा जो लोगों को बिल्कुल भी मार्केट का नॉलेज नहीं है, और साथ में जिनको ईटीएफ के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये उन लोगों को अवॉइड करना है। फिर अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं जो ईटीएफ अगर हम बाई करते हैं तो उन ईटीएफ के अंदर हमें क्या क्या चीजों को देखना चाहिए। देखिए, ऐसे ही किसी भी आंख बंद करके किसी भी ईटीएफ को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ईटीएफ है। सो उसमें सबसे पहले आपको एक्सपेंस रेशियो देखना पड़ता है, फिर एयूएम देखना पड़ता है, उसकी हिस्ट्री देखनी पड़ती है, लिक्विडिटी देखनी पड़ती है। हिस्ट्री का मतलब क्या हो गया, जैसे मैं भी आपको आगे बताने वाला हूँ, हिस्ट्री का मतलब क्या है, एयूएम क्या है, फिर यहाँ पे लिक्विडिटी क्या है, तो सब चीजों को आपको यहाँ पे पहले चेक करना पड़ेगा, तब जाके आप किसी भी ईटीएफ को यहाँ पे सोच सकते हैं लेने के लिए। ऐसा डायरेक्ट आंख बंद के आप किसी भी ईटीएफ को नहीं ले सकते, क्योंकि आए दिन नए नए ईटीएफ आपके ही लॉन्च होते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या क्या देखना चाहिए, जैसे ईटीएफ है, जैसे निफ्टी 20 का ईटीएफ, यहाँ पे लिखा देखिए निफ्टी 20। अब ये ईटीएफ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि इसका फाउंडर कौन है, तो ये आपको फाउंडर्स मिल जाएगा। ठीक है, ये कब लॉन्च हुआ था, 2001 में लॉन्च हुआ था, इसका नाम क्या है, ये है, तो चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये आप वेबसाइट से पता कर सकते हैं, गूगल पे से जाके इनके बारे में पता कर सकते हैं। अब उस फंड ने आपको कितना रिटर्न बना के दिया, ये भी आपको पहले पता होना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री हमें चेक करना है, पास्ट में क्या परफॉर्मेंस रहा, तो हम उससे अज्यूम कर सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर ये हमें क्या परफॉर्मेंस देगा। तो 1 साल का यहाँ पे फंड का रिटर्न आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, लगभग लगभग 26% का रिटर्न है, 26.5%। वहीं पे अगर हम देखने जाएं, यहाँ पे 3 साल का 15% का रिटर्न है, 5 साल का यहाँ पे 15.7% का रिटर्न है, और ऑल टाइम रिटर्न लगभग 16% के पास आ रहा है। सो यहाँ से हम अज्यूम कर सकते हैं, अगर लॉन्ग टाइम के लिए अगर हम इसमें पैसा लगा रहे हैं, तो हमें कम से कम 15-16% का रिटर्न तो यहाँ पे इजिली मिल सकता है, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है। सो आने वाली परफॉर्मेंस को हम यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं। तो आपको ये चीज का पता होना चाहिए, आप किसी भी ईटीएफ के अंदर पहले आपको ये चीजें देखनी जरूरी थी। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आता है आपका एयूएम। ठीक है, आपको एयूएम भी पता होना चाहिए, कोई भी न्यूली ईटीएफ होता है तो उसके अंदर एयूएम बहुत ही कम होता है, और एयूएम अगर आपका कम रहेगा तो उसके अंदर लिक्विडिटी भी आपका कम रहेगा। लिक्विडिटी का मतलब होता है वॉल्यूम, यानी कि अगर आपकी लिक्विडिटी कम है तो आप किसी भी ईटीएफ को बाई तो कर लोगे, पर उसको सेल नहीं कर पाओगे। सो हमें उतना वॉल्यूम चाहिए ताकि हम उसको बाई भी इजी तरीके से कर सकें, और उसको सेल भी इजी तरीके से कर सकें, ताकि हमें कभी भी पैसे की जरूरत हो तो हम कभी भी इसमें से एग्जिट कर सकें। तो उस चीज के लिए पता होना चाहिए। फिर पोर्टफोलियो का पी रेशियो क्या चल रहा है वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो इन सभी रेशियो के बारे में आपको, जैसे एक्सपेंस रेशियो, ये आपको पता होना चाहिए। तो इन सभी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, और आपकी जो ईटीएफ है वो कितने स्टॉक्स में आपका पैसा लगा रहा है। देखिए, यहाँ पे 50 स्टॉक्स में आपका पैसा लग रहा है, टॉप 50 कंपनीज के अंदर। तो ये आपको चीजों को अधिकतर चेक करना है किसी भी ईटीएफ को लेने से पहले। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि हम कौन से ईटीएफ को हमारे लिए सबसे बेस्ट रहता है। तो उसके लिए अगर हम देखें, चौथे वाले पॉइंट को कवर कर रहे हैं, तो अब ईटीएफ कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले होते हैं इंडेक्स ईटीएफ। इंडेक्स ईटीएफ के अंदर आपका आ गया निफ्टी ईटीएफ, फिर बैंक 20 ईटीएफ, तो बहुत सारे इंडेक्स ईटीएफ भी होते हैं। फिर सेक्टर और इंडस्ट्रीज वाइज आपके ईटीएफ होते हैं, फिर यहाँ पे इंटरनेशनली आपके ईटीएफ होते हैं, फिर कमोडिटी ईटीएफ होते हैं, जैसे कमोडिटी के अंदर गोल्ड 20 आ गया, सिल्वर 20 आ गया। तो ये इतने सारे के ईटीएफ होते हैं, तो इनमें से हमें कौन से ईटीएफ को चुनना चाहिए, ठीक है, हमारे लिए कौन से ईटीएफ बेटर है। तो यहाँ पे जो मैं आपको नेम बता रहा हूँ वो मेरे लिए बेटर है, मैं इन सब में एसआईपी ऑलरेडी करता हूँ, सो वही मेथड मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ जो अभी टॉप में चल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका निफ्टी 20। अगर आपको लॉन्ग टर्म विजन के लिए यहाँ पे सोचना है तो आप निफ्टी 20 के अंदर जा सकते हैं। वो निफ्टी 20 का मतलब अपने इंडिया की 50 कंपनीज, टॉप 50 कंपनीज में आपका पैसा लग रहा है। दूसरा है आपका M100। M100 का मतलब हो गया मोतीलाल ओसवाल नास्डाक 100 फर्म। अब इसके अंदर जो विदेश की, यानी बाहर की, फॉरेनर की आपकी टॉप 101 कंपनी में आपका पैसा लग रहा है। तो यहाँ पे आपका डाइवर्सिफाई हो गया, यानी इंडिया की इकोनॉमी में भी आप पैसा लगा रहे हैं और बाहर की कंपनी में, जैसे आपके एप्पल हो गया, टेस्ला हो गया, फेसबुक हो गया, मेटा हो गया, इन अमेजोन हो गया, इन सब कंपनी में आपका डायरेक्ट पैसा है। तो ये
आपके पैसे को दो जगह डाइवर्सिफाई किया है। सबसे पहले आप इंडिया में भी पैसा लगा रहे हैं और आप बाहर भी पैसा लगा रहे हैं। उसके बाद आपका आईटीबीस भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर आईटी सेक्टर बहुत ही ग्रोइंग आपका सेक्टर रहेगा, तो इसमें भी आप यहाँ पे सोच सकते हैं। टॉप आईटी कंपनी के अंदर आपका पैसा यहाँ पे डाइवर्सिफाई होगा। फिर आप बैंक को लेके देख सकते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर बैंक का फ्यूचर कैसा रहेगा, तो आप यहाँ पे बैंक बीस के अंदर लगा सकते हैं। और लास्ट में आप यहाँ पे गोल्ड बीस भी रखिए, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि निफ्टी गिरता है तो गोल्ड ऊपर चढ़ता है। सो यू क्यों होता है, ये हेज रखा जाता है, ठीक है। निफ्टी जब नीचे गिरता है तो आपका गोल्ड ऊपर चढ़ता है, तो उसी वजह से अगर मार्केट कभी भी आपका नीचे आ रहा है, नीचे के मोमेंटम में रह रहा है, तो उस समय आपको गोल्ड बीस के अंदर अच्छा प्रॉफिट बनता है। सो और मार्केट जब मान लीजिए ऊपर जा रहा है और गोल्ड आपका नीचे आ रहा है, तो आप नीचे एवरेज कर पाओगे। सो एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो होने के लिए आपको कम से कम ये पांच में, मैं चार से पांच में मैं खुद से इन्वेस्ट करता हूँ, उन्हीं को मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब इनमें से मेरा किसी भी ईटीएफ में आपको बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं केवल आपके एजुकेशन पर्पज के लिए नाम बता रहा हूँ। अगर आप इनमें निवेश करना चाहते हैं तो आप अपनी रिसर्च जरूर करें और अपनी जानकारी आप पहले ले लें और अपने हिसाब से आप इनके अंदर काम कर सकते हैं। चलिए अभी यहाँ पे मैं आपको, देखिए ये तो ही है, और टॉप यहाँ पे बहुत सारे ईटीएफ है जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप उनको भी एक बार जरूर विजिट कर लीजिए ताकि आपको पता चले कितने जो ईटीएफ है वो मार्केट में ऑलरेडी है। तो कुल 37 ईटीएफ हैं जिनको मैं ट्रैक करता हूँ, आप भी उनको देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो राइट टाइम कौन सा होता है, आप देखिए इसको राइट मेथड कौन सा होता है। अभी हम दो टाइप से हमेशा, एक नॉर्मल एसआईपी कर देते हैं और एक एडवांस एसआईपी करते हैं, दूसरा हम लमसम भी पे पैसा डालते हैं, दूसरा हम यहाँ पे एडवांस लमसम पे पैसा डालते हैं। तो यहाँ पे पैसा डालने के हमारे पास अलग अलग सिस्टम है। अब नॉर्मल एसआईपी का मतलब क्या हो गया, हम किसी भी डेट को एक पकड़ लेते हैं डेट, जैसे हमने एसआईपी कर ली कि मैं 1 तारीख को पैसा डाल रहा हूँ तो अगली 1 तारीख को मैं फिर से पैसा डालूंगा, फिर से 1 तारीख आएगा तो पैसा डालूंगा। तो इसमें आपका जो प्राइस होता है वो हमेशा टॉप पे बाय होता है, जैसे ये प्राइस चल रहा है, ठीक है, ये ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, तो हमेशा आपका यहाँ पे टॉप में बाई होता है। अधिकतर जहाँ पे नीचे बॉटम में आपका बाई बहुत ही कम होता है, हमेशा टॉप में बाई होता है, तो आपका एवरेज हमेशा ऊपर से निकलता है। अब एडवांस जो एसआईपी होती है उसमें क्या होता है, हम बॉटम में यहाँ पे बाई करने की कोशिश करते हैं एवरी, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी एसआईपी होती है वो ऑटोमेटिक एसआईपी होती है, वो आपके खाते में से ऑटोमेटिक पैसे डिडक्ट होते रहते हैं हर एक पर्टिकुलर डेट को। और एडवांस एसआईपी के अंदर क्या होता है, हम मैन्युअली बाई करते हैं, यानी हम कोई भी ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं करेंगे, हम खुद से जाएंगे, खुद से चार्ट पे देखेंगे और खुद से जब बॉटम बनेगा तहां पे बाई करेंगे। अब ये बॉटम कहाँ बन रहा है, जब भी हमें नीचे से एवरेज लेना है तो ये बॉटम कहाँ पे बन रहा है, तो उसकी मैंने एक स्ट्रेटेजी का पूरा वीडियो लगभग कल ही डाला है, ठीक है। सो आप उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो देखिए ये आपके लिए ये सीखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। सो आप उसको एक बार जरूर वॉच करिए। तो आपको देखिए जैसे नॉर्मल एसआईपी में आपका रिटर्न अगर 9% निकल के आ रहा है, तो एडवांस एसआईपी में आपका रिटर्न लगभग 11% 12% के पास आएगा, तो 2-3% आपको अच्छा यहाँ पे गेन हो जाता है, और 3% लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बड़ा डिफरेंट पैदा कर देता है, ठीक है। सो ये आपको देखना है, ये मेथड क्या है ये आपको वहां पे देखना जरूर, क्योंकि एक वीडियो में मैं इतना लंबा आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझा पाऊंगा। दूसरा, आपको यहाँ पे कब तक होल्ड करना है, देखिए होल्ड करने का एक विजन है, आपका एक गोल जो आपने डिसाइड किया है उस गोल तक आपको होल्ड करना है, ठीक है। अब बीच में आपको जब भी जरूरत पड़े आप अपने हिसाब से निकाल सकते हो, तो होल्ड के लिए कोई भी यहाँ पर टाइम पीरियड नहीं है। अब आपने एक अच्छी खासी आपकी डिसेंट आवक है और आपके एक रेगुलर यहाँ पे एसआईपी चल रही है, तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे निफ्टी के अंदर पैसा लगा दिया, ठीक है, अब मुझे होल्ड कब तक करना है, जब तक निफ्टी चल रहा है अच्छा मुझे परफॉर्मेंस कर रहा है तो मैं उसको होल्ड करूंगा। अब मुझे लग रहा है कि मैं निफ्टी 20 में से निकल कर मुझे बैंक निफ्टी में जाना चाहिए या फिर आईटी में चला जाना चाहिए, तो मैं तब जाके इसको थोड़ा सा होल्ड करके बाकी के एसआईपी में आईटी वाले में लगाऊंगा, बाकी के एसआईपी में बैंक वाले में लगाऊंगा। तो आप इसको ऐसे समय पे यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं जब आपको लगे कि हाँ यस अब रिसेंटली मुझे प्रॉफिट हो रहा है, अब मुझे इसके साथ में दूसरे सेक्टर में भी एंटर करना चाहिए, तो आप वहां पे इसको थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं। बाकी होल्ड का कोई भी यहाँ पे विजन नहीं होता है, आपके गोल पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कब करना है, देखिए प्रॉफिट बुक का मतलब आपने रिसेंटली एसआईपी करे और आप एक 10 साल से एसआईपी करें, 10 साल के बाद आपका पैसा बनकर हो गया मान लीजिए 50 लाख रुपए। अब 50 लाख रुपए का आप प्रॉफिट कैसे बुक करोगे, या तो आप पार्ट पार्ट प्रॉफिट बुक कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा आपको जैसे चाहिए वैसा आप बुक कर लीजिए, या फिर इसमें से हाफ प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। सो प्रॉफिट कितना लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उसको कैसे एग्जिट करें। यहाँ पे एग्जिट का कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि आपको पैसे की जरूरत है इसीलिए आप यहाँ पे कर रहे हो, बाकी जो निफ्टी है वो तो चलने वाली है और जो आपके 20 है वो भी आपके चलने ही वाले हैं। सो ये आपको कब तक होल्ड करना है, कब तक प्रॉफिट बुक करना है, वो प्रॉफिट बुकिंग आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। सो इस वीडियो के अंदर हमने सब कुछ कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे कवर कर लिया है। अगर अब आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर करते हैं कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं समझ में आई तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वहां पे जानकारी बाकी की प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और ऐसा होगा तो एक वीडियो में आपके लिए और भी स्पेशल बनाने की कोशिश करूंगा अगर आपके कुछ ज्यादा डाउट्स रहते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।